नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु धवन और आज एक बहुत संगीन टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि एक्चुअली पेशेंट सर्जरी करवा लेते हैं वेरिकोसिल में और उसके बाद जो उनको पेन उठता है और उसके बाद वहाँ की वेन्स फुली भी दिखाई देती हैं, आज उसी के बारे में बात करूंगा। एग्जैक्टली क्या होता है, पेशेंट को आइडिया होता है या वहाँ पर एलोपैथी डॉक्टर भी उनको बता देता है कि रीअकरिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं, बट वो वहाँ की वेन को कट करते हैं, बांध देते हैं और वहीं पर उसको बंद कर देते हैं। बेसिकली सर्जरी जो होती है वो लैप्रोस्कोपी हो, चाहे एम्बोलाइजेशन हो, चाहे वो आपकी ओपन सर्जरी हो, सर्जरी के बाद आम सी बात है कि पेशेंट सफ़र करता है पेन से कुछ टाइम पीरियड, वो शायद एक या दो दिन हो सकता है या तीन दिन हो सकता है, मैक्स हफ्ता भर, क्योंकि कुछ भी जगह कटेगा तो कुछ ना कुछ तो आपको पेन महसूस होगा, बट एक हफ्ते के बाद तक वो रिकवरी हो जाती है। उसके बाद जो पेन होता है वो हमें दिक्कत दे सकता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि रीअकरिंग फिर से हो रही है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो वहाँ पर वुंड है वो पूरे ढंग से भरे नहीं, दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न जो होता है कि वो ये होता है कि वहाँ पर जो पेन एग्जिस्टेंस जो बनी हुई है टेस्टिस में, उसके पीछे क्या पता वहाँ पर थोड़ी आने वाली इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन एलोपैथी डॉक्टर के पास, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी चला रहे हैं या एंटीबायोटिक्स चला रहे हैं, दैट्स अप टू डॉक्टर्स, जो भी आपके सर्जन हैं। अब रही बात, अगर वो रीअकरिंग का पेन है, मतलब कि अगर वो पेन जो है वो दोबारा से वेरिकोसिल बनने के हैं, तो वहाँ पर एकदम से नहीं है कि कोई भी सेकंड सर्जरी आपको रिकमेंड करेगा, तो थोड़ा टाइम होल्ड लेगा, बट आप उस बीच में अपने ट्रीटमेंट को थोड़ा सा आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं ठीक करने का क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि आप इस जगह पे जहाँ पर आपकी एक सर्जरी हो चुकी है, अगर आप थोड़ा सा उस एरिया को या रीअकरिंग वाले एरिया को थोड़ा टाइम समझो और जानोगे या खुद के थोड़ा सा आप उसको सोचोगे, तो वो क्यों हो रहा है उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि आपके वहाँ की बाकी की वेन्स में भी ब्लड फ्लो दोबारा से ही रिफ्लक्सिस क्रिएट कर रहा है, वहाँ की वेन्स दोबारा से रिफ्लक्सिस बना रही है, जिसकी वजह से आपको पेन दोबारा से होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर हमारा काम आ जाता है, या जैसे हम बोलूँ कि आयुर्वेद काम आ जाता है, यहाँ पर होम्योपैथ काम आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ पेन से रिलीफ नहीं चाहिए होता, यहाँ पर रिफ्लक्सिस से भी रिलीफ चाहिए होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आयुर्वेद या फिर आपकी लाइफस्टाइल या फिर आपकी डाइट से इन सारी चीज़ों को या इन सारी दिक्कतों को हम एक सॉल्यूशन की तरह आपके सामने रखते हैं, चाहे उसमें आप होम्योपैथ फिजिशियन के पास चले जाओ, चाहे आप आयुर्वेद फिजिशियन के पास चले जाओ, यहाँ पर दोनों ही आपको हेल्प कर देंगे कि जिसकी वजह से आपके रिफ्लक्सेस ना बने, पहला। दूसरा, वहाँ पर कैसी भी इन्फ्लेमेशन हो रही हो वो भी नेचुरली ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा, क्योंकि इतनी जल्दी हम एक्सरसाइज के लिए अभी रिकमेंड नहीं करते आफ्टर सर्जरी, तो यहाँ पर हम सिर्फ डाइट को थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे। डाइट रिफॉर्म का मतलब क्या है कि डाइट हम ऐसी इनटेक करेंगे जिससे हमें जो वेरिकोसिल बना है या जो उसका कॉज है, उस कॉज के ऊपर काम करेंगे इस बीच में, जिसकी वजह से हमको ये वेरिकोसिल और बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे और जिसकी वजह से हमारी ग्रेडिंग और बड़ी ना हो। तो सिंपली यहाँ पर हमको ट्रीटमेंट का चॉइस जो है वो हमें अल्टरनेट देखना पड़ेगा, चाहे आप होम्योपैथ की तरफ जाओ, चाहे आप आयुर्वेद की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का ही ट्रीटमेंट अच्छा काम करेगा। इसी के साथ अगर आपके अंदर कुछ क्वेरी है ऐसी भी, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर आपको वेरिकोसिल के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, मैं उस पे आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।